हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम फिर से एक टेक रिव्यू करने वाले हैं। और जो आज अपना प्रोडक्ट है वो काफी हैप्पी प्रोडक्ट है, और वो है हैमर का सोलो 3.0। तो अपना जो हैमर ब्रांड है काफी अच्छा ब्रांड है, मेड इन इंडिया ब्रांड है, सबसे बड़ी बात यह है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी एपिक हैं। इनके जितना भी मतलब सामान है वो काफी मतलब रीजनेबल और बजट फ्रेंडली है, तो आपको कभी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा एक अच्छे मतलब अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए। मैंने हैमर का पल्स रिव्यू किया था अपने कुछ पुराने वीडियोस में, आई बटन में आ रहा होगा आपको, वो वॉच सबसे अच्छी वॉच थी उस प्राइस रेंज में। उससे ज्यादा फीचर्स आपको उस वॉच में किसी वॉच में नहीं मिलेंगे। और सेम इन ईयरफोन्स को भी खोल के देखते हैं कैसे है, अब अनबॉक्सिंग देखते हैं इसकी। तो ये अपना हैमर सोलो 3.0 का बॉक्स है, काफ़ी छोटा कम्पैक्ट सा बॉक्स है। यहाँ पर काफ़ी कुछ फीचर्स लिखे हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। अभी एक अच्छी चीज़ थी वो था इसका ये वाला डिज़ाइन, जैसे होता है ना मतलब ऐसे कोई गहने देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, ऐसे शोकेस दिखाते हैं, उस टाइप का डिज़ाइन है। यहाँ पूरा हैमर का टैगिंग है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बॉक्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, अभी इसको हम खोल के देखते हैं। बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है केस जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपनी ईयरबड्स। ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, आराम से चला गया। तो यहाँ पे डिज़ाइन है, बंद कर देते हैं अभी के लिए। और उसके अलावा मैं देखने एक्सेसरीज देखने को मिलती है जो पीछे से हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ पे वही मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, और यहाँ लिखा कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हैमर फैमिली, थैंक यू भाई, थैंक यू। और यहाँ पे 2 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री मिलेगी जो काफ़ी सही है, अच्छा है। यहाँ पे QR कोड हमें स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद हम वारंटी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं और एक चार्जिंग केबल है जो अंदर पड़ी है। तो अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सब प्लास्टिक का बॉडी है, काफ़ी मस्त है, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसको अगर हम यहाँ से खोलते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एंग्रेविंग हुआ है अपने ईयरबड्स के मतलब डिज़ाइन के लिए। जो ईयरबड्स का डिज़ाइन है ये अपना प्लास्टिक का ही है। ये जो जो ईयरबड्स का जो मतलब ईयर पीस है वो थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लास्टिक वाला फील आ रहा है। बट ठीक है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका काफ़ी बजट फ्रेंडली ईयरफोन्स हैं ये। और यहाँ पे मैग्नेट की वजह से आराम से अटैच हो जाएगा, हो गया अटैच। और इसके अंदर हमें यहाँ पे लाइटनिंग LED लाइटिंग है, तो जितना लाइट है उतना चार्ज होगा ये। और पीछे हमें देखने को मिलता है माइक्रो USB टाइप बी पोर्ट, ये टाइप सी नहीं है, बट ये अच्छे से इजीली चार्ज हो जाता है, आराम से फास्ट चार्जिंग हो जाती है इसमें भी, बट ये टाइप बी पोर्ट है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ईयरफोन्स की लगी थी वो था इसका डिज़ाइन। सच बोलूँ इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, और ये साउंड डिस्प्ले भी आती है। ईयरबड्स इसके अंदर आराम से मैग्नेट की हेल्प से अटैच हो जाते हैं, और काफ़ी इजीली डिज़ाइन है ये भी, ओवर द मतलब ईयर टाइप ऑफ डिज़ाइन है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं खुद प्रेफर मतलब प्रेफर करता हूँ ये टाइप ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, कूल कूल लगता है डिज़ाइन, आराम से फिट हो जाते हैं, गिरने के चांस नहीं है, आराम से चले गए, और प्रॉपरली मतलब एक कैंसिलेशन टाइप फील हो रहा है मुझे कि हाँ बाहर के एनवायरनमेंट से एक अलग से बीच में एक बैरियर आ रहा है बाहर के एनवायरनमेंट और काम के अंदर। आराम से फिट हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और गिरेंगे नहीं, सही है। तो सोलो 3.0 के ईयरबड्स काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे आप केस से खोलोगे उसको आराम से विद इन 1-2 सेकंड कनेक्ट हो जाते हैं थैंक्स टू ब्लूटूथ 5.0, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी कनेक्शन में। और इसके अंदर अगर आपको मतलब सिंगल ईयरबड यूज़ करना है, अगर आपको दोनों नहीं यूज़ करना है, अगर आपको एक जैसे ड्राइविंग करते हो आपको एक बस कान में लगाना बात करनी हो, तो आप एज ए मोनो बड भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल सिंगल को एक को निकालो यूज़ करो बंद अंदर डाल दो। तो अपने ईयरबड्स IPX3 waterproof है, मतलब कि ये स्वेट तक कोई इजिली झेल पाएगा, अगर ज़्यादा पानी का थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बट हाँ अगर आप जिम लवर हो, अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा पसीना आता है वो सब में काम कर रहे हो, तो ये काफ़ी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो इन ईयरबड्स का जो टच है काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच है। अगर हम राइट वाले ईयरबड पर सिंगल टैप करेंगे तो म्यूज़िक प्ले हो जाता है, और अगर हम सिंगल टैप करेंगे तो म्यूज़िक पॉज हो जाता है। सेम लेफ्ट साइड पर भी प्ले और पॉज कर सकते हैं सिंगल टैप करने से। अगर हम राइट वाले को डबल टैप करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेफ्ट वाले को डबल टैप करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और जितना वॉल्यूम बढ़ाना उतनी बार टैप कर सकते हैं इसको, तो ऐसा ही है। और अगर हम इसको नेक्स्ट सॉन्ग देना तो हमें इसको राइट वाले को कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, और अपने आप वो नेक्स्ट सॉन्ग पर चला जाएगा। अगर हमें प्रीवियस सॉन्ग पर जाना है तो हमें लेफ्ट वाले को दबा के रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और वो प्रीवियस सॉन्ग पर चला जाएगा। तो ये काफ़ी सही था। और अगर हमें सीधी से बात करें तो हमें लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करना पड़ेगा और सीरी अपने आप आ जाएगी। सीरी आ गई, सीरी हेलो कैसी हो, सीरी ठीक ही होगी क्योंकि उसको हमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, देखो लिखा है कि ऑन इट।
और अगर हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो हमें सिंगल यूज में 3 to 4 hours का मुझे इसने बैटरी बैकअप दिया इसने, आराम से आप मतलब एक दो मूवीज देख सकते हो आराम से, और इसकी इसकी हेल्प से आप इसको 4 times तक चार्ज कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी थी, 1 घंटा इसको बस केस के अंदर डालो फुल चार्ज होता है, मतलब मैक्सिमम 1.5 hours मैक्सिमम फुल चार्ज हो जाता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ थी इन ईयरफोन्स के लिए। यार तो फॉरेन कंट्रीज में होता ना, अगर इसको कुछ समझ नहीं आता तो बोलते हैं सॉरी आई बैग योर पार्डन, मतलब इंडिया में क्या बोलते हैं ऐसे हैं, तो इसमें कोई माइक्रोफोन की तरह से प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि हैं क्या बोला आपने ऐसे कुछ सुनाई पड़ दे वो नहीं मिलेगा आराम से। मैंने इसको यूज़ करके काफ़ी 2 हफ्ते यूज़ किया मैंने इसको आराम से, और कभी कभी मुझे अपोजिट साइड पर कभी ये नहीं बोला कि हाँ भाई आवाज़ नहीं है ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक माइक्रोफोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक और व्हाइट। मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा, ब्लैक तो ज़्यादा क्लासी लग रहा था क्योंकि मैट फिनिश में, तो अच्छा लगा इसलिए मैंने ब्लैक लिया था। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 1500 से 1700 के बीच में रेट इसका ऊपर नीचे होता है, बट मैक्सिमम टाइम आपको 1599 का मिलता है, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट टाटा क्लिक या हेमंत ट्रेडिशनल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा इजीली। अगर आप हेमंत ट्रेडिशनल वेबसाइट से लेते हो ये प्रोडक्ट तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो है डार्क वंडरलस्ट, ये कोड यूज़ करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा रहेगा यार, सीधी सी बात है मेरे लिए अच्छा रहेगा मेरा कोड यूज़ हो रहा है तो। ठीक है, इस वीडियो में सकते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, अगर कुछ भी डाउट है इस प्रोडक्ट को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या जो भी कोई नंबर अगर आपके पास है तो, और मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। प्लीज़ यूज़ माई कोड अगर आप परचेज करना है क्योंकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ यूट्यूब होता है। और ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। वंदे मातरम, बाय बाय।